सीक्वेंस चल रहा है। बड़ी सासू माँ ने हमें, मुझे और छुटकी को कहा था कि जो भी बिहान और थपकी को एक करेगा उसे ना वो डायमंड रिंग गिफ्ट करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से वो डायमंड रिंग लेने की कोशिश कर रही हूँ, छुटकी अपनी तरफ से वो डायमंड रिंग लेने की कोशिश कर रही है। और अभी थी और मैंने नाटक किया था कि डायमंड रिंग मेरी उंगली में फंस गई है, और वो छुटकी को आखिर में पता चल जाता है, तो वो ना हंसी से वो मेरी उंगली काटने आ रही है। वो भी नाटक कर रही है ऑब्वियसली, कि मैं अपने आप ही डर के उसको अंगूठी वापस कर दूँ। अरे मुझे तो पता है कि छुटकी जो बोलती है वो करती है, तो मुझे तो डर लग रहा है कि सच में वो मेरी उंगली ना काट दे, क्योंकि वो बहुत ही लालची है। तो मैंने उसको अपनी अंगूठी वापस कर दी डर के मारे। अंगूठी का बस मैंने कहा ना कि हम दोनों को ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो बड़ी सासू माँ को हमसे जो भी काम करवाना होता है ना, वो ऐसे ही नाटक करती है कि ना गोल्ड ज्वेलरी दे देंगे हम आपको, ब्रेसलेट दे देंगे हम आपको, अंगूठी गिफ्ट कर देंगे। तो वैसे ही उनका काम भी हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। वैसे तो मुझे ही मिलनी चाहिए, अब देखते हैं किसको मिलती है। आने वाले टाइम में यही रहेगा कि मैं झगड़ा करा के बिहान और थपकी को एक करने की कोशिश करी, और छुटकी जो है वो प्यार से बिहान और थपकी को एक करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं प्यार से वो लोग एक होते हैं या यू नो नफरत से, माने झगड़ा करने से, जैसे शाहरुख खान ने बोला था कि प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है, तो मैं उसी के हिसाब से चल रही हूँ। मैं अपने फैंस को या थपकी की आगे बस देखते रहिए, क्योंकि इस सीरियल में इतने ट्विस्ट एंड टंग्स हैं तक कि आपको ना बहुत ही मज़ा आएगा देखने के लिए।